हेलो फ्रेंड्स, आज मैं व्रत स्पेशल शकरकंदी का खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में तो टेस्टी होगा ही, साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होगा। तो यहाँ पे मैंने आधा केजी शकरकंदी ले लिया है, जिसका मैंने छिलका उतार लिया है और इसको अच्छे से धो लिया है। अब इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप जब भी कोई व्रत हैं, आप मीठा खाना चाह रहे हैं, तो आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो अच्छे से मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब पैन में मैंने एक चम्मच घी लिया है और इसको हम भून लेंगे। आप चाहें तो इसका हलवा भी बना सकते हैं, और इस तरह से आप चाहें तो आलू की भी खीर बना सकते हैं। तो ये अच्छे से भून चुका है। यहाँ पे मैंने दूध को पहले से ही गर्म कर लिया है और गैस का फ्लेम लो करके उसमें हम शक्करकंदी को डाल देंगे। अब जब तक हमारा शकरकंदी पक रहा है, तब तक हम ड्राई फ्रूट को भी भून लेंगे। तो आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो, आप उस हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी और किशमिश डाल दिया है और साथ में इलायची पाउडर भी डाला है। अब हम ड्राई फ्रूट को दरदरा कूट के डाल देंगे। इसको थोड़ी देर धीमी आँच पे पका लेंगे। तो खीर हमारी बन के तैयार है। अब मैं यहाँ पे भोग के लिए इसको निकाल रही हूँ। पहले हम भगवान जी का भोग लगाएंगे, फिर बाद में प्रसाद खाएंगे। तो फ्रेंड्स, एक खीर बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बनाइएगा, और खाने के बाद एक मतलब अच्छा अंदर से एनर्जी आती है। तो इस तरह से बना लीजिए। और यहाँ पे मैंने सभी